हेलो फ्रेंड्स, बात करेंगे लेखपाली कट ऑफ को लेके। जैसे कि आपने थंबनेल पे देख लिया है कि लेखपाली कट ऑफ कम जा सकती है, कितनी कट ऑफ जाएगी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी, अभी मैं आपको सबकी बताऊंगा कितनी कट ऑफ जा सकती है और कट ऑफ कम जाने का क्या कारण है। देखिए, दो तीन कारण बन रहे हैं कि जिससे कट ऑफ कम जाएगी। अभी मैं जो आपको एविडेंस के साथ बताऊंगा तो आप खुद ही समझ जाओगे कि कट ऑफ कम जाने वाली है। पहला जो सबसे बड़ा कारण बन रहा है वो बन रहा है एसटीएफ। एसटीएफ जो 15,000 संदिग्ध है उनकी जांच कर रहा है कि मान के चलते हैं कि इन 15,000 में अगर 3,000 लोग ऐसे हैं या 2,000 लोग भी ऐसे हैं कि जो पैसा देके आए थे और वास्तव में उन्होंने नकल भी करी और उनको पकड़ा नहीं गया और बाद में एसटीएफ ने उनकी जांच करी तब वो पकड़ में आया, उनकी कॉपी जो ऊपर की पकड़ी गई या सीसीटीवी की फुटेज वगैरह चेक करेगी तो वहां से उनको जब ब्लैकलिस्ट किया जाएगा तो 2000 सीट तो यही खाली होने वाली है। 2000 सीट यहाँ खाली होने वाली, तो यहाँ पे जब ये हट जाएंगे तो ऑटोमेटिक कट ऑफ कम हो जाएगा। हो सकता है कि शुरू के 500 बच्चे ज्यादा नंबर, 500 या 1000 बच्चे हैं उनके ज्यादा नंबर आएंगे तो उनके आने तो हो सकते, ये क्योंकि ये अच्छे स्टूडेंट्स हैं, मेहनत करके लाए होंगे। टॉप के 500 या 1000 लोग जो हैं वो 85-90 के नंबर के बीच में लाए होंगे तो भाई ये सीट ले जाने दो, इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बस ये नहीं घुसना चाहिए। पहला कारण तो यही है कि एसटीएफ जांच कर रही है 15,000 संदिग्ध पे। और देखिए, दूसरा सबसे बड़ा कारण बन रहा है यूपीएसआई। क्या यूपीएसआई? यूपीएसआई कैसे कारण बन रहा है? तो यूपीएसआई का भी मेडिकल लगातार चल रहा है और यूपीएसआई ने मान के चलते हैं कितनी सीट है, 9,000। कितनी सीट है? 9,000 सीट है। तो मान के चलिए आपकी इसमें कम से कम 1500 बच्चे ऐसा है जो यूपीएसआई में भी सिलेक्ट है और लेखपाल में भी उसके बहुत अच्छे मार्क्स है। तो ये 1500 बच्चे में से 1400 बच्चे ऐसा होगा कि जो यूपीएसआई की जॉब जाके ज्वाइन करेगा। रीजन क्या है? क्योंकि यूपीएसआई की जो ज्वाइनिंग आने वाली है वो बहुत जल्दी आने वाली है, मानिए दिसंबर के आसपास हो सकता है इसकी ज्वाइनिंग भी आपको देखने को मिले। और लेखपाल का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो जनवरी और फरवरी के आसपास देखने को मिलेगा। तो अगर ये ट्रेनिंग पे चले जाते हैं तो ये जनवरी यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे तो डीपी की जो कट ऑफ होगी वो ज्यादा इंक्रीज नहीं करेगी। क्योंकि अगर 1400 बच्चे भी चले जाते हैं और वैसे भी यूपीएसआई जो है वो 4200 ग्रेड पे की जॉब है तो इंसान यूपीएसआई को ज्यादा प्रेफर दे रहा है। लगभग 5 से 6 लोग मेरी नजर में है जो यूपीएसआई में भी, मतलब यूपीएसआई का मेडिकल दे चुके हैं और लेखपाल में भी उनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, तो वो खुद ही कह रहे हैं कि सर जो है वो यूपीएसआई ज्वाइन करेंगे, हम लेखपाल का मेडिकल, लेखपाल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं जाएंगे। और मैंने भी उनको यही सलाह दी है कि आप जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मत कराने जाइएगा कि कम से कम 5 से 6 सीट्स का जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने यही अभी तो फिलहाल प्रॉमिस यही किया है कि सर हम नहीं जाएंगे, 5-6 जो जरूरतमंद है उनको जॉब लग जाए। तो ऐसे ही मान लीजिए मेरे 5-6 नजर में ऐसे बहुत ऐसे बच्चा होगा तो मान के चलता हूं मैं 1300-1400 बच्चा ऐसा है कि जो यूपीएसआई में भी है और लेखपाल में भी है तो वो यहाँ नहीं जाएगा, मतलब लेखपाल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया नहीं जाएगा और यूपीएसआई में चला जाएगा। देखिए, तीसरा सबसे जो बड़ा कारण है वो बन रहा है आपका एनटीपीसी। एनटीपीसी एनटीपीसी का भी रिजल्ट लगभग अनाउंस है और ज्वाइनिंग प्रोसेस अब कुछ ही समय बाद स्टार्ट होने वाला है। तो लगभग मान के चलिए लगभग 1000 बच्चा ये जो है वो एनटीपीसी में भी सिलेक्ट है और यूपीएसआई में भी सिलेक्ट है और नेपाल में भी अच्छे मार्क्स है। तो यहाँ पर भी 1000 बच्चे जो है वो उसमें से लगभग 1 से 2 स्टूडेंट जो है वो मेरे जानने वाले जिनके एनटीपीसी में अच्छे खासे मार्क्स है, मतलब वो मेडिकल उनका बचा है, मेडिकल कंप्लीट होने के बाद जो है वो वहाँ ज्वाइनिंग ले लेंगे। उन्होंने भी कहा कि एनटीपीसी में उनको बहुत अच्छे ग्रेड पे की जॉब मिल रही है तो वो भी लेखपाल को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो यहाँ से भी सीट्स जो है वो खाली होने वाली है। तो इसीलिए जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो कट ऑफ जाएगी, और यूपी टीपीएससी ने खुद कहा है कि लगभग 1.5 गुना लोग हम लेंगे, लेकिन ऐसा उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग अब जो यूपी टीपीएससी डिसीजन लेने जा रही है वो 2 से 2.5 गुना लगभग 16,000 से लेकर और 20,000 लोगों के बीच में बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा 16,000 से 20,000 लोगों के। और हाँ, जूनियर असिस्टेंट में लगभग 2 स्टूडेंट मेरे ऐसे हैं जो जूनियर असिस्टेंट में फाइनली सिलेक्ट हो गए हैं और लेखपाल में भी अच्छा स्कोर है उनका, तो उन्होंने भी कह दिया कि सर मैं जूनियर असिस्टेंट की जॉब लूंगा। रीजन क्या है कि जूनियर असिस्टेंट की जॉब एक ऑफिस जॉब होती है तो उन्होंने कहा लेखपाल में ही लूंगा, लेखपाल फील्ड जॉब होती है वहां पे काफी टेंशन होती है तो इसलिए वो जूनियर असिस्टेंट की जॉब प्रेफर कर रहे हैं। चाहे उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट बाद में हो या पहले हो लेकिन हम जाएंगे जूनियर असिस्टेंट में ही वो जाएंगे। तो ऐसे जूनियर असिस्टेंट वाले भी वो कम से कम
मेरे ख्याल से लगभग 100 से 150 बच्चे जरूर होगा जो लेखपाल में अच्छे मार्क्स लिए बैठा है और जूनियर स्टैंड भी उसका फाइनल हो गया। तो यहाँ से भी सीटें जो है वो ब्लैंक होना शुरू हो जाएंगी। तो आप मान के चलिए UPSC जो है वो ये सब चीज देख रहा है और वहां भी उनके पास एक रॉ डेटा होगा, एक वहां उन्होंने भी स्टडी की होगी कि तो लगभग 16,000 से 20,000 के बीच में वो कैंडिडेट्स को बुला सकते हैं। रीजन यही है कि इतने फटाफट रिजल्ट आ रहे हैं तो उन्हें पता है कि बच्चे जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काफी छोड़ेंगे। तो आप अगर बात कर लेते हैं कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 16 से 20,000 बच्चों का अगर कराया जाता तो कट ऑफ क्या देखने को मिलेगी आपको? अब कट ऑफ जो है वो कम रहेगी। रीजन क्या है? STF भी है, NTPC का रिजल्ट भी आ रहा है, यूनियन स्टैंड का रिजल्ट आ रहा है, UPSI वाला भी। UPSI में तो ज्यादातर बच्चा अपना UP का ही है तो वो UPSI प्रेफर कर रहा है और इस कारण जो है वो कट ऑफ कम देखने को मिलेगी। तो हम बात लेते हैं जनरल, जनरल में अगर आपके 76 से 77 नंबर है और ये फाइनल मैं कट ऑफ बता रहा हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ 1 से 2 नंबर और कम जाएगी। और कम जाने के बाद जो उछाल देखने को मिलता था 2.5 नंबर का 3 नंबर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद वो अब देखने को नहीं मिलेगा आपको। अगर 76-77 नंबर है तो आप मान के चलिए कि मोस्टली आप जो है वो सेफ है। और OBC की अगर हम बात कर लें तो OBC में अगर 75 से 76 नंबर आप बन रहे हैं तो मतलब आप फाइनली सिलेक्ट हो जाएंगे। EWS की अगर हम बात कर लें, EWS से कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेगा क्योंकि काफी कैंडिडेट्स जो है EWS के वो UPSI में भी सिलेक्ट हो रहे हैं क्योंकि EWS में काफी बच्चों ने लगा रखा था तो इधर से भी वो हट रहे हैं। तो 72 से 73 अगर है तो आप फाइनली, इसकी हो सकता है कि आपको 70 या 71 ही कट ऑफ देखने को मिले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और उसके बाद 1 से 1.5 नंबर ही इंक्रीज करेगी। और SC की आप मान के चलिए 68 से 70 और ST की आप मान के चलिए 63 से 65 के बीच में ये आपकी कट ऑफ रहेगी। ये फाइनल कट ऑफ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, कट ऑफ जो है वो 1 नंबर या 1.5 नंबर कम ही देखने को आपको मिलेगी। और उम्मीद की यही की जा रही है कि लगभग 16,000 कैंडिडेट्स को तो बुलाएगी। वैसे बात जो आ रही थी वो 2.5 गुना की भी आ रही थी, लगभग 20,000 लोगों के लिए, लेकिन 20,000 नहीं तो लगभग 16,000 लोग को तो जरूर बुलाएगी। और 16,000 में आप मान के चलिए लगभग 4,000 बच्चा जो है वो सिलेक्ट है ऑलरेडी कहीं ना कहीं सिलेक्ट है, मतलब ऊपर का ये 4,000 बच्चा है तो निकल जाएगा। तो आपकी मान के चलिए जो सीट हो गई है वो कितनी हो गई है, अब 12,000 हो गई है। 4,000 बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं सिलेक्ट है और वहां नहीं जाने वाला है, लेखपाल में नहीं जाने वाला है। तो यही आपकी अपडेट रहे और यही कट ऑफ आपकी रहने वाली है, पूरी पूरी उम्मीद है कि यही कट ऑफ रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जानकारी के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिए और